नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एंटी सपेक्टरी बेल और प्री अरेस्ट बेल। एंटी सपेक्टरी बेल के बारे में पहले बता देता हूं। देखिए, ये सीआरपीसी 438 के अंदर आता है। सीआरपीसी 438 हमें ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को ये समझता है कि वो गिरफ्तार हो सकता है किसी ऐसे कारण की वजह से जो वो नहीं किया हो, पॉइंट टू बी नोटेड, जो वो नहीं किया हो, उस मामले में उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल एक तरह से पहले से बेल ले लेना अपने आप को पहले से कानून के दायरे में सुरक्षित कर लेना। सबसे पहले जैसे कानून का बात आता है तो आपको समझ जाना चाहिए ये आपको कानून के पास ही जाना पड़ेगा, और कानून के पास हमेशा से आपको हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में हमें ये कहता है सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। जब अपने एरिया के जो सेशन कोर्ट है उसको अप्लाई कर उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से जज साहब को कि देखिए जज साहब, मेरा ऐसा ऐसा कंडीशन है और इस वजह से मैं बेल लेना चाहता हूँ। मेरे ऊपर कोई झूठा इल्जाम डाल के मुझे को जेल में डाल सकता है, बहुत ही मेरे साथ सोसाइटी के लिए, मेरे कोई डिजीज के लिए मैं यहाँ पे जेल में अगर जाता हूँ तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए, सबसे पहले चीज तो है जो भी जेल जाता है अगर वो गुनाह नहीं किया है तो सोसाइटी उसको ज्यादा गाली देती है, उसको डर सोसाइटी से ज्यादा लगता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। जो एक अच्छा इंसान होता है वो कभी भी नहीं चाहता है कि उसको पुलिस पकड़ के लेके जाए। अब लेकिन क्या होता है कि कुछ समय किसी भी राइवलरी की वजह से, किसी दुश्मनी की वजह से हमें क्या होता है कि कोई ना कोई आपके अगेंस्ट में कोई FIR कर देता है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि वेरी सीरियस इन नेचर का मतलब हो गया रेप हो गया, मर्डर हो गया, हाफ मर्डर हो गया, या फिर फिरौती हो गई, या फिर किडनैपिंग हो गया, ये सारा चीज उसमें आ जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाता है। अब इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बस FIR गया है तो आप पुलिस को जाके बताएं तो पुलिस आपको कोई हेल्प कर दे कि भाई आपके नाम पे FIR है, ठीक है ये FIR है, मैं उसको वापस लेने बोलता हूँ। पुलिस आपकी बात कुछ नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर कोई उसमें कुछ भी किया है, मतलब कोई भी उसके पास कोई भी FIR आया है, दैट मींस इस केस को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पहला रीजन क्या है कि केस सॉल्व करने का पहला रीजन है कि उसको अपना प्रमोशन वो नहीं अटका सकता। कोई भी केस जो वो दे रहा है उस केस को पूरी तरीके से सॉल्व करके जज साहब को बताना पड़ेगा। दूसरा है, और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, कि सोसाइटी में ये कोई भी ऐसा लॉस ना कर दे सोसाइटी को जिसकी वजह से कोई स्टेप ना लिया जाए। तो पुलिस वाले पहले ही इस चीज को बहुत ही मैंडेटरी की तरह से देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वेरी सीरियस इन नेचर है तो उसको पहले उठा के लाओ। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अगर FIR हुआ है, FIR होने के 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करो। लेकिन यहां पे क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी गुनाह नहीं किए हैं तो क्या होता है कि पुलिस आपको उठाने आने वाली है तो वो जो आपके खिलाफ FIR कराने वाला है ना वो भी कराएगा। कब जानते हैं? आपके नाम पे फ्राइडे के शाम को 6 बजे के बाद। फ्राइडे को आपको शाम के 6 बजे के बाद इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसको पता है कि आज अगर अभी फ्राइडे को उठाते हैं तो सैटरडे को कोर्ट बंद रहेगा, और कोर्ट बंद रहेगा तो सैटरडे भी उसकी जमानत नहीं होगी, और फिर उसके बाद उस संडे आ जाएगा, संडे को भी उसको जाना पड़ेगा, और फिर मंडे को उसको कोर्ट में ले जाकर फिर वहां पे चांसेस रहेगी कि जज साहब आपको बेल देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर वहां पे पुलिस बोल दी कि अभी तक हम फाइनल कर रहे हैं, माने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको बेल मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहां पे इस चीज को गया है एंटीसिपेटरी बेल। लेकिन यहां पे कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको किसी भी हालत में बेल नहीं मिलेगा, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। वो पहला मुद्दा है कि आपको ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जज साहब के पास गए और जज बोल दिए कि मेरे को एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो ऐसा नहीं है कि जज साहब आपके नाम पे इशू कर देगी। नहीं, बिल्कुल मत समझिएगा। आपको एकदम गुनाह बताना पड़ेगा, उस इंसान का नाम भी आपको लेना पड़ेगा जो आपको लग रहा है जिसके जो आपके खिलाफ FIR कर सकता है। माने आपको पूरा कोर्ट को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि इस वजह से मुझे लग रहा है कि मेरे को पुलिस पकड़ के ले जा सकती है और मेरे को हैरेस कर सकती है। तो आपको ब्लैंकेट ऑर्डर पे बेल नहीं मिलेगा, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल का कोई काम नहीं है। एंटीसिपेटरी बोल के वो कहां पे कोई कानून नहीं चलती है। देखिए, सीआरपीसी का 438 जो है वो स्टेट वो करता है, रन करता है, स्टेट अपने हिसाब से चलाता है। तो वहां पे लेजिस्लेटिव मेंबर्स इस चीज को कैंसिल कर चुके हैं, एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको कहीं पे भी एंटीसिपेटरी बेल किसी भी कोर्ट से नहीं मिलने वाली। डाउरी डेथ, डाउरी डेथ का मतलब क्या होता है कि जब आपको आप अपने वाइफ को मार डालते हैं सिर्फ डाउरी की वजह से, मतलब पैसा जो नहीं मिलता है अपने ससुराल से उसकी वजह से अगर आप मार देते हैं अपने वाइफ को तो उस मामले में भी आपको डेथ नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो पुलिस में लिख के रखा हूँ अलग से, पुलिस का काम यह है कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है और आपके पास एंटीसिपेटरी बेल आ गया है लेकिन वो आपके वकील के पास रखा हुआ है और पुलिस आपको पकड़ के पुलिस स्टेशन तक ले चले जाती है तो एंटीसिपेटरी बेल अपने आप में फिर वो कैंसिल हो जाएगा। इसका रीजन एक ही है क्योंकि पुलिस अगर पकड़ ली है तो ये प्री अरेस्ट बेल है,
पोस्ट अरेस्ट नहीं है कि पोस्ट अरेस्ट हो गया उसके बाद आप बेल को पुलिस को दे रहे हैं कि ये रहे मेरा एंटी सेपरेटरी बेल, तो पुलिस उसको नहीं मानेगी। हाँ, पुलिस आपके घर पे आई है, आपके पास एंटी सेपरेटरी बेल रखा हुआ है, उसको निकाल के आप देते हैं, तो फिर पुलिस आपकी बात मानेगी। तो आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी सेपरेटरी के बेल के बारे में है और एंटी सेपरेटरी बेल कैसे काम करता है उसके बारे में और किस किस मामले में आपको बेल नहीं मिलेगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।